हेलो फ्रेंड्स, दिस इज विराज राणे फ्रॉम परसिव एस इंस्टीट्यूट मुंबई। आई होप एवरी वन ऑफ यू इज़ डूइंग वेल, स्पेशली विद रिस्पेक्ट टू योर पढ़ाई एंड विद रिस्पेक्ट टू योर हेल्थ। टुडे वी विल बी डिस्कसिंग अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम एंशियंट इंडिया एंड द टॉपिक इज जैनिज्म। जैनिज्म एंड बुद्धिज्म, ये दो टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यूपीएससी प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से, सीएपीएफ के ऑब्जेक्टिव पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, पेपर वन के पॉइंट ऑफ व्यू से, सीडीएस के जीके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, एंड ऑल्सो फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ प्रीलिम्स फॉर स्टेट सर्विसेज। यहाँ से क्वेश्चंस आते ही हैं, जैसे आपने देखा होगा प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर्स में। एंड क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आते ही है, हम लोग थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे जैनिज्म को भी और बुद्धिज्म को भी। सो व्हाट वी विल डू इज वी विल डिस्कस जैनिज्म सेपरेटली, ताकि थोड़ा सा डिटेल में पढ़ाई भी हो जाए और आप कन्फ्यूज भी ना हो जाए दोनों के फिलोसफीज़ के बीच में। सो वी विल स्टडी जैनिज्म सेपरेटली एंड बुद्धिज्म सेपरेटली। इफ़ नीड बी वी विल मेक सेपरेट वीडियोज, टू सेपरेट वीडियोज ऑफ जैनिज्म इट्सेल्फ, पार्ट वन एंड पार्ट टू, एंड टू वीडियोज ऑन बुद्धिज्म पार्ट वन एंड पार्ट टू। शुरू करते हैं जैनिज्म के साथ। 24th तीर्थंकरा ऑफ जैनिज्म वॉज वर्धमान महावीर, अ वेरी इंपॉर्टेंट फिगर इन जैनिज्म। वर्धमान महावीर वॉज बॉर्न टू सिद्धार्थ एंड त्रिशाला। सिद्धार्थ बिलोंग टू जंत्रिका ट्राइब, जंत्रिका क्लैन, जंत्रिका क्षत्रियों का एक क्लैन था, उनको बिलोंग करते थे। एंड त्रिशाला बिलोंग टू लच्छवी क्लैन, शी वॉज द सिस्टर ऑफ लच्छवी चीफ चेतका। लच्छवी चीफ चेतका जो है उनकी डॉटर हैड मैरिड टू, लेटर हिज डॉटर हैड मैरिड टू किंग बिंबिसार ऑफ मगध, अगर वो लेक्चर याद है तो, मैंने बताया था उस लेक्चर में। तो त्रिशाला एंड सिद्धार्था को वर्धमान महावीर एज अ सन, ही वॉज बॉर्न टू देम, एंड ही वॉज बॉर्न इन अ विलेज कॉल्ड एज कुंडाग्रामा, कुंडाग्रामा विच वॉज द सबर्ब ऑफ वैशाली। वैशाली जैसे हमें पता है वेरी इंपॉर्टेंट सिटी ऑफ एंशियंट इंडिया, सो इम्पॉर्टेंट कि फॉर सम पॉइंट ऑफ टाइम इट वॉज ऑल्सो द कैपिटल ऑफ मगध आगे जाके ड्यूरिंग द टाइम ऑफ शिशुनाग। सो वैशाली का एक सबर्ब था कुंडाग्रामा, वहाँ पर वर्धमान महावीर वॉज बॉर्न। नेम ऑफ वर्धमान महावीर्स वाइफ वॉज यशोदा। एट द एज ऑफ 30 वर्धमान महावीर लेफ्ट हिज हाउस फॉर द सर्च ऑफ नॉलेज एंड ट्रूथ, तो नॉलेज एंड ट्रूथ के सर्च में निकल पड़े। एंड देन ही मेडिटेटेड, ही वंडर्ड फॉर 12 ईयर्स, एंड एट द एज ऑफ 45 इट इज सेड कि ही अटेंडेड कंप्लीट नॉलेज विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज कैवल्य। तो ही अटेंडेड कंप्लीट नॉलेज और कैवल्य एट द एज ऑफ 42। This happened under the salt tree, under a salt tree, on the bank of river Richupalika, near a village called as Jrimbiki, Jrimbiki Grama. एक मिनट, Jrimbiki ka Grama, Jrimbiki ka Grama. Please remember the name. शायद factual information में पूछ ले। What we also know is, वर्धमान महावीर mostly preached इन कोशाला, मगध एंड अंगा। ये क्वेश्चन इसलिए मैं ये इन्फॉर्मेशन इसलिए मैं डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि गौतम बुद्ध के, लॉर्ड गौतम बुद्ध के बारे में पूछा गया था कि विच वेयर द एरियाज इन विच ही पर्सनली प्रोपोगेटेड बुद्धिज्म। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा गया था दो बार, इन 2014 एंड अगेन इन 2015। दैट इज़ वाई एम डिस्कसिंग दिस विथ रिस्पेक्ट टू लॉर्ड महावीर। तो ही प्रोपोगेटेड जैनिज्म पर्सनली इन कोशाला, मगध एंड अंगा। एंड वी ऑल नो कि मगध वॉज कॉन्कर्ड, अंगा वॉज कॉन्कर्ड बाय मगध। तो अंगा अगर आप लोग सेपरेटली याद नहीं रखोगे तभी भी चलेगा। बेसिक डॉक्ट्रिन्स क्या क्या है जैनिज्म के? तो बेसिक डॉक्ट्रिन्स आर, डू नॉट कमिट वायलेंस, डू नॉट कमिट वायलेंस, डू नॉट स्पीक लाई, डू नॉट एक्वायर प्रॉपर्टी, एंड डू नॉट स्टील। पांच डॉक्ट्रिन्स है, इसमें से ये चार जो है ये मैं पहले डिस्कस कर रहा हूँ या पहले आपको बोल रहा हूँ, बिकॉज दिस फोर वेर गिवन बाय पार्श्रवा। नाउ पार्श्रवा वॉज 23rd तीर्थंकर। सो इन जैनिज्म देर इज अ सीरीज ऑफ तीर्थंकर, 24 होते हैं। पार्श्वदेव या पार्श्रवा वॉज 23rd, वर्धमान महावीर वॉज 24th। ठीक है, तो ये नहीं हम लोग बोल सकते कि वर्धमान महावीर ने जैनिज्म को एस्टेब्लिश किया। व्हाट ही डिड वाज ही टुक द फिलोसफी अहेड।
उन्होंने इस फिलोसफी को आगे बढ़ाया। सो देर वेर 24 तीर्थंकर्स। वर्धमान महावीर वॉज 24th, 23rd वॉज पार्श्ववा, 1st वॉज ऋषभदेवा। तो इन तीनों का नाम जरूरी है, सबका नाम याद रखना वो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी नहीं है। तो हमने चार डॉक्ट्रिन्स डिस्कस किए, नॉट टू कमिट वायलेंस, नॉट टू स्पीक लाई, नॉट टू एक्वायर प्रॉपर्टी एंड नॉट टू स्टील। द फिफ्थ वन जो वर्धमान महावीर ने दिया था, दैट इज ऑब्जर्विंग सेलिबेसी और ऑब्जर्विंग ब्रह्मचर्य। तो दिस वॉज द फिफ्थ डॉक्ट्रिन ऑफ जैनिज्म। वॉट वी ऑल्सो नो इज पार्श्वदेव जो थे, उन्होंने गारमेंट यूज करने के लिए अपना सैंक्शन दिया था। सो ही वॉट ही हैड सेड वॉज थ्री गारमेंट्स कैन बी यूज बाय पीपल हु आर फॉलोइंग जैनिज्म, और थ्री गारमेंट्स कैन बी यूज बाय मॉन्क्स। वॉट वर्धमान महावीर सेड वॉज और वॉट वर्धमान महावीर प्रैक्टिस्ड वॉज कि उन्होंने अपने गारमेंट छोड़ दिए। सो वेन ही स्टार्टेड हिज सर्च फॉर ट्रूथ, उन्होंने एक ही कपड़े पहने, और जब वो कपड़े टोन आउट हो गए तो ही गेव अप क्लोथ्स। ठीक है, तो गिविंग अप क्लोथ्स इन जैनिज्म, ये चीज आता है वर्धमान महावीर से, इससे पहले वाले तीर्थंकर से नहीं आता। उन्होंने थ्री गारमेंट्स अलाउ किए थे। जैनिज्म के बारे में हम लोग फिलोसफी में थोड़ा सा और डिटेल में डिस्कस करेंगे, बट उससे पहले कुछ ऊपर से कुछ पॉइंट्स देखते हैं जो डायरेक्टली पूछे जा सकते हैं। जैनिज्म डिड नॉट कंडेम वर्णा सिस्टम, तो उस वक्त जो वर्णा सिस्टम प्रिवेलेंट था, जैनिज्म ने उसे कंडेम नहीं किया। वॉट जैनिज्म दो सेड वॉज अटेनिंग लिबरेशन वॉज पॉसिबल फॉर एनी वन थ्रू प्योर एंड मेरिटियस लाइफ। तो प्योर और मेरिटियस लाइफ अगर आप जीते हो तो आप लिबरेशन अटेंड कर सकते हो। जैनिज्म फोकस्ड ऑन फ्रीडम फ्रॉम वर्ल्डली बॉन्ड्स, जो दुनिया भर के बॉन्ड्स है उससे आप फ्री कैसे होंगे, उस पर वो फोकस करते थे। एंड फॉर दैट पर्पज दे सेड रिचुअल्स आर नॉट नेसेसरी फॉर दैट पर्पज दे सेड रिचुअल्स आर नॉट नॉट नेसेसरी दे सेड लिबरेशन कैन बी अटेंडेड थ्रू अटेनिंग नॉलेज, एक्वायरिंग नॉलेज एंड देन एक्शंस टेकन ऑन द बेसिस ऑफ दैट नॉलेज। द थ्री रत्नस ऑफ जैनिज्म आर फुल नॉलेज, एक्शन एंड लिबरेशन। याद रखना, थ्री रत्नस ऑफ जैनिज्म, फुल नॉलेज, एक्शन, लिबरेशन। जैनिज्म की फिलोसफी को थोड़ा और अगर हम लोग देखें तो जैनिज्म सेज वर्ल्ड इज नाइदर क्रिएटेड नॉर इट इज मेंटेन्ड नॉर इट इज डिस्ट्रॉयड बाय अ पर्सनल डीटी। दिस पर्टिकुलर यूनिवर्स टू यूनिवर्सल लॉ, एंड दैट यूनिवर्सल लॉ स्टेट्स कि द यूनिवर्स गोज थ्रू मल्टीपल साइकल्स which are infinite in numbers. तो there are infinite number of cycles जिसके through ये universe जाता है, and each cycle has the period of development, मतलब उस particular cycle में the world will move towards development, and this period of development is called Utsarapini. At the end of this particular period of development there will be a peak reached, और उस peak से फिर वो पर्टिकुलर साइकिल में डिक्लाइन आना शुरू हो जाता है, एंड दैट डिक्लाइन इज कॉल्ड अवसरापिनी। तो उत्तरापिनी होगा, उत्सरापिनी होगा, पीक होगा, फिर अवसरापिनी होगा। इन ईच साइकिल जैनिज्म सेज कि देर विल बी 24 तीर्थंकर्स एंड 12 चक्रवर्तीज। चक्रवर्तीज आर यूनिवर्सल किंग्स, ठीक है, चक्रवर्तीज आर यूनिवर्सल किंग्स और यूनिवर्सल एम्परर्स। तो जैनिज्म का कॉन्सेप्ट जो है, अब तक हमने जो किया फिर से एक समराइज कर लेते हैं। यूनिवर्स ना क्रिएट होता है, कोई क्रिएट करता है ना मेंटेन करता है ना डिस्ट्रॉय करता है। इट गोज थ्रू अ साइकिल एंड दिस साइकिल इज डिटरमाइंड बाय यूनिवर्सल लॉ, और ऐसे इनफाइनाइट साइकिल्स है।
ये पर्टिकुलर चीज़ जो है ना यूनिवर्सल लॉ, इसे याद रखिए, 2011 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, जैनिज्म बिलीव्स इन यूनिवर्सल लॉ। नाउ व्हाट हैपेंस इज एवरी साइकिल विल हैव 24 तीर्थंकर्स एंड इट विल हैव 12 ग्रेट एम्परर्स दैट इज चक्रवर्तीस। इसका मतलब है एवरी साइकिल विल हैव 36 ग्रेट मैन, जिसे बुलाया जाता है सलाका पुरुषस, जिसे बुलाया जाता है सलाका पुरुषस। They will appear in every cycle at a regular interval. They will appear in every cycle at a regular interval. According to Jainism, this particular cycle जिसमें हम लोग जी रहे हैं उसके 24 तीर्थंकर हो चुके वर्धमान महावीर, and now this world will move towards its decline. And this decline will happen over the period of 40,000 years. According to Jainism, ये decline इस तरह से होगा कि ह्यूमंस विल इवन फॉरगेट देयर रिलीजन, दे विल इवन फॉरगेट देयर कल्चर, इनफैक्ट इंटेलेक्चुअली वो इतने डम हो जाएंगे कि दे विल इवन स्टार्ट लिविंग इन, दे विल अगेन स्टार्ट लिविंग इन केव्स, दे विल अगेन स्टार्ट लिविंग इन केव्स। एक बार ये साइकिल खत्म हो गया तो नेक्स्ट साइकिल विल बिगिन, दैट नेक्स्ट साइकिल विल अगेन हैव, जैसे मैंने बोला, पीरियड ऑफ इम्प्रूवमेंट जिसका पीक होगा, देन पीरियड ऑफ डिक्लाइन। सो इन जैनिज्म देर इज नो टोटल डिस्ट्रक्शन ऑफ यूनिवर्स, नो टोटल डिस्ट्रक्शन ऑफ यूनिवर्स, यूनिवर्स में टोटल डिस्ट्रक्शन होता नहीं है। जो अगला कॉन्सेप्ट हम लोग देखेंगे इन जैनिज्म की फिलोसफी में, दैट इज द फिलोसफी रिलेटेड टू द आइडिया ऑफ सोल। जैनिज्म मानता है कि द पर्पज ऑफ लाइफ इज प्यूरिफिकेशन ऑफ सोल। आपका सोल जब प्यूरिफाई हो जाता है तब आप लिबरेट हो जाते हो फ्रॉम द सर्कल ऑफ लाइफ एंड डेथ। अब सोल जो है ये प्यूरिफाई करने की जरूरत क्या है, ये प्यूरिफाइड क्यों नहीं है, तो थोड़ा सा इस कॉन्सेप्ट को देखते हैं। जैनिज्म बोलते हैं कि यूनिवर्स परफॉर्म्स ऑन द बेसिस ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन सोल, दैट इज इंटरेक्शन बिटवीन अ लिविंग कंपोनेंट सोल जीवास एंड फाइव कैटेगरीज ऑफ नॉन लिविंग एंटिटीज, एंड दिस फाइव कैटेगरीज ऑफ नॉन लिविंग एंटिटीज आर और अजीवास, जैसे उन्हें अजीवास बोला जाता है। फर्स्ट इज ईथर, दैट इज आकाशा, देन द मीन्स और कंडीशंस ऑफ मूवमेंट, दैट इज धर्म। नेक्स्ट इज मीन्स और कंडीशंस ऑफ रेस्ट, दैट इज अधर्म। देन देर इज टाइम, दैट इज काला, एंड देन देर इज मैटर, दैट इज पुद्गाड़ा। तो इनके इंटरेक्शन के साथ यूनिवर्स चलता है। जैनिज्म बोलता है, जैनिज्म की फिलॉसफी बोलती है कि सोल सबके पास होता है, नॉट ओनली सोल इज समथिंग दैट लिविंग एंटिटीज हैव लाइक अस और लाइक ट्रीज और एनिमल्स, बट अकॉर्डिंग टू जैनिस्ट फिलोसफी, अकॉर्डिंग टू जैनिज्म का फिलोसफी, सोल इज समथिंग दैट इवन दिस कबर्ट विल हैव, स्टोन्स विल हैव, रनिंग वाटर विल हैव। ठीक है, तो सोल सबके पास होता है। जैनिज्म सेज नेचुरली सोल इज ब्राइट, ऑल नोविंग एंड ब्लिसफुल। ठीक है, नेचुरली सोल जो है इट इज ब्राइट, इट हैज नॉलेज एंड इट इज ब्लिसफुल, बट देर इज समथिंग अटैच टू द सोल एंड दैट इज कर्मा, देर इज समथिंग अटैच टू द सोल दैट इज कर्मा। नाउ दिस पर्टिकुलर कर्मा विल डिस्टिंग्विश द सोल। सोल इन इट्सेल्फ इज सेम ऑफ एवरीवन, सबका सोल उतना ही अच्छा है, लेकिन फर्क कहाँ आ जाता है, जहाँ सोल के साथ कर्मा अटैच हो जाता है, एंड दैट पर्टिकुलर कर्मा विल डिसाइड कि आपको लिबरेशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा। Everything that you do adds karma to your soul. Lekin every bad thing that you do will add more karma to your soul. It will add more karma to your soul. Hence, jitne aap bure kaam karoge, utna aapka liberation milna mushkil ho jayega. In fact, jitna aap koi bhi karam karoge with the desire of something, उतने आपके कर्मा ऐड होंगे, लेकिन अगर बुरे काम करोगे तो और ज्यादा कर्मा ऐड होंगे।
दैट विल लीड टू ट्रांस माइग्रेशन ऑफ सोल. ट्रांस माइग्रेशन ऑफ सोल मतलब नेक्स्ट जन्म, ठीक है. क्योंकि आपके सोल के साथ कर्मा अटैच्ड है, योर सोल विल नॉट बी लिबरेटेड. एंड बिकॉज योर सोल विल नॉट बी लिबरेटेड, आपका सोल जो है नेक्स्ट बर्थ में आएगा. नाउ ट्रांस माइग्रेशन कैन बी एस्केप्ड हाउ, बाय डिस्पेलिंग द कर्मास ऑलरेडी एथर्ड. जो कर्मा आपने ऑलरेडी कलेक्ट किए हैं उनको पीछे छोड़ के, एंड एन्श्योरिंग दैट नो मोर कर्मा इज एक्वायर्ड. तो जितना कर्मा आपने एक्वायर किया उनको पीछे छोड़ना है और आगे कोई कर्मा एक्वायर नहीं किया. जैनिज्म सेज इट इज अ वेरी डिफिकल्ट प्रोसेस एंड इट इज अ वेरी स्लो प्रोसेस. एनाइलेशन या फिर निर्जरा ऑफ द कर्मा कम्स फ्रॉम पेनेंस एंड प्रिवेंशन ऑफ द इन्फ्लक्स एंड फिक्सेशन ऑफ कर्मा. आपको मेडिटेशन करना होगा, आपको पेनेंस करना होगा और आपको अवॉइड करना होगा अगले कर्मों से, कर्मों को अपने आप से अटैच करने में. When a soul becomes free from karma, what will happen? It will rise to the top of the universe, above the highest heaven, and it will attend the bliss through all eternity. एक बार आपके आपका soul जो है कर्मा से unattached हो गया, कर्मा से दूर हो गया, ठीक है, अगर उससे कर्मा छूट गए तो देन योर सोल विल राइज टू द टॉप ऑफ द यूनिवर्स. इट विल इवन गो हायर देन द हाइएस्ट हेवन एंड इट विल बी एट ब्लिस. मतलब अब उसे कोई चाहत नहीं, उसकी कोई इच्छा नहीं, ठीक है. इट इज इन द स्टेट ऑफ ब्लिस. उससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं चाहिए होगा, ठीक है. दैट मीन्स यू हैव अटेंडेड द हाइएस्ट फॉर्म ऑफ वॉट यू कैन अटेंड. जैनिज्म सेज, जैसे मैंने शुरुआत में बोला था कि एनी वन कैन अटेंड लिबरेशन, बट जैनिज्म ऑल्सो सेज, दोनों चीज़ें याद रखो. अगर क्वेश्चन में आया ना कैन एवरी वन अटेंड लिबरेशन इन जैनिज्म, यस एनी वन कैन अटेंड लिबरेशन. बट जैनिज्म सेज ये थोड़ा मुश्किल है लेमैन के लिए, फुल सेल्वेशन थोड़ा मुश्किल है लेमैन के लिए. वाई? बिकॉज अकॉर्डिंग टू जैनिज्म लिबरेशन पाने के लिए यू विल हैव टू गो थ्रू लॉन्ग कोर्सेस ऑफ फास्टिंग, सेल्फ मॉर्टिफिकेशन, स्टडी एंड मीडिएशन. और ये सारी चीज़ें लेमैन के लिए डिफ़िकल्ट है. ऐसा नहीं कि लेमैन कर नहीं सकता, बट विथ हिज मटेरियल ड्यूटीज़ ये सारी चीज़ें करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है. विच आर दोज थिंग? फास्टिंग, सेल्फ मॉर्टिफिकेशन, स्टडी एंड मीडिएशन. रिगरस डिसिप्लिन चाहिए होता है टू प्रिवेंट कर्मा फ्रॉम एंटरिंग सोल, जो लेमैन के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है. नॉन वायलेंस हैज़ टू बी स्ट्रिक्टली फॉलोड बाय एवरीवन, नॉट ओनली मॉन्क्स, बाय एवरीवन. नॉन वायलेंस हैज़ टू बी स्ट्रिक्टली फॉलोड. दिस इज व्हाट जैनिस फिलोसफी एट इट्स कोर इज. अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं कि व्हाट हैपेंड टू जैनिज्म आफ्टर वर्धमान महावीर. वर्धमान महावीर डाइड एट द एज ऑफ 72 at a place called Pava or Pavapuri, which was near to Rajgriha, the capital of Magad. With respect to his life, he was contemporary to Gautam Buddha, Lord Gautam Buddha, and he was also contemporary to Goshala. Goshala was the founder of Ajivika sect. Ajivika जैनिज्म बुद्धिज्म की तरह ही और एक सेट था जो एंशियंट इंडिया में 6th century BC में डेवलप हुआ था. एंड वर्धमान महावीर, लॉर्ड वर्धमान महावीर एंड कोशाला वेर वेरी क्लोज टू ईच अदर. जब तक उनमें डिफरेंस नहीं है एंड आफ्टर दोज डिफरेंसेस केम अप, बोथ वेंट देयर सेपरेट वेज. आफ्टर वर्धमान महावीर व्हाट वी सी इज 200 साल के बाद, आफ्टर 200 years ऑफ वर्धमान, आफ्टर 200 years जब वर्धमान महावीर ने प्रोपोगेट किया एंड आफ्टर इट राइट आफ्टर 200 years, वेन देर वॉज रूल ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य इन मगध, देर वॉज एन इंटेंस फेमाइन इन मगध. एंड बिकॉज ऑफ दिस फेमाइन व्हाट हैपेंड वॉज, आई थिंक वी शुड स्टॉप दिस वीडियो, हम लोग रुक जाते हैं.
थोड़ा सा लंबा खींच गया, ये वीडियो यहीं पे रोक देता हूँ। इफ़ यू हैव मेड नोट्स ऑफ दिस वीडियो गो थ्रू देम एंड देन वॉच द सेकेंड वीडियो ऑन दिस सेम टॉपिक दैट इज जैनिज्म। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।